बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं मां मोहम्मद दवान कयूम, तुसी देखदे पए हो गंधारा हिंदको टीवी। सबसे पहले अज दी खबरां दा खुलासा। वज़ीर आज़म इमरान खान सरकारी दौरे ते बीजिंग पहुंच गए, आज चीनी सदर नाल मुलाकात कर सुन। अमन व अमान दी सूरत हाल दे पेशे नज़र मुल्क दे मुख्तलिफ शहरां च अज मोबाइल फोन सर्विस बंद रहसी। कराची समेत पंजाब, बलूचिस्तान ते खैबर पख्तूनख्वा च अज तालीमी इदारे बंद रह सुन। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखला शहरयार अफरीदी ने किया कि तरने दे मामले ते अपोजिशन ते दीगर जमातां दी मुशावरत नाल अगे वधसियां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने किया कि तहरीक इंसाफ दी हुकूमत इंसाफ ते मुसावात ते यकीन रख दिए। पाकिस्तान ते न्यूजीलैंड दे दरमियान दूसरा T20 मैच अज खेडा जासी। हुण खबरां दी तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन दे सरकारी दौरे दे सिलसिले दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच गए, जिस दे दौरान वह चीनी सदर, वज़ीर आज़म ते दीगर आला हुकाम नाल मुलाकातां कर सुन। मुलाकातां इन दो तरफा तजारत दे फरोग वसे गलकत कर सुन। वज़ारत उज़्मा दा मनसब संभालने दे बाद इमरान खान दा चीन दा पहला सरकारी दौरा वे। बीजिंग पहुंचने ते चीन दे वज़ीर ट्रांसपोर्ट ते पाकिस्तान चीनी सफीर ते वज़ीर आज़म दा इस्तकबाल कीता। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर खजाना असद उमर, वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार, वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद, मशीर तजारत अब्दुल रजाक दात ते वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी वज़ीर आज़म दे हमरा हुन। वज़ीर आज़म अज चीन दे सदर जिनपिंग नाल मुलाकात कर सुन। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने किया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर ते गुजरांवाला च मोबाइल फोन सर्विस अज मुअत्तल रहसी। समाजी राबते की वैबसाइट से फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम च किया कि मुल्क के चार शहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर ते गुजरांवाला च अज मोबाइल फोन सर्विस बंद रहसी। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत ने मजीद लिखा कि मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल ही है, आइन ते कानून की मुकम्मल अमलदारी ही आवाम के मुफाद ही है, तो असं ये फर्ज अपना पूरा कर सियाँ। मोबाइल फोन सर्विस सवेले 8 बजे से शाम मगरब तक मुअत्तल रहसी। आसिया की रिहाई के मामले ते एहतजाज अज तीसरे दिन भी जारी रहने का इम्कान है, जिस दे पेशे नज़र पंजाब हुकूमत ने सूबे पारी तमाम स्कूलों ते कॉलेजों बंद रखने का ऐलान कर दिता वे। इस हवाले नाल ऐलामिया भी जारी कर दिता गया है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा भी सारे प्राइवेट स्कूलों की तरफ से छुट्टी का ऐलान कर दिता गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखला शहरयार अफरीदी ने किया कि तरने के मामले ते अपोजिशन ते दीगर जमातों दी मुशावरत नाल अगे वधने पाया। तमाम इदारे राबते चुन दानिशमंदी नाल रस्ते खुलवासियाँ। उम्मीद है कि कौम अज रात तक अच्छी खबर सुन सी। सबसे बात होगी क्योंकि पाकिस्तान सबका है, मिलके हम आगे चलेंगे कंसेंसस, क्योंकि जब रियासत पाकिस्तान की बात आए और खातिमुन्नबीन की बात आए तो अल्लाह के महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान, उनके आल के लिए कुर्बान और इस धरती माँ के लिए भी सब कुछ कुर्बान। सर, करारदाद ला रहे हैं क्या? ये मिलकर अभी मिलकर सर फोर्स तो इस्तेमाल करने का नहीं सोचा? सवाल ही नहीं पैदा होता अपने पाकिस्तानियों पे कैसे फोर्स इस्तेमाल करें। कोई कमेटी बनाई जा रही है सर का? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंसाफ ते मुसावात ते यकीन रख दिए। उन्होंने किया कि आम आदमी नूं इंसाफ दी फौरी फरहमी वसे वकला नूं अपनी जिम्मेवारियां एहसन तरीके नाल अदा करनी चाहिए। इन ख्यालात दा इजहार उन्होंने इंसाफ लायर फॉर्म खैबर पख्तूनख्वा दे 8 रुकनी वफ्द नाल गलकत करते हुए किया, जिस दी कयादत इंसाफ लायर फोरम खैबर पख्तूनख्वा दे सदर काजी अनवर बगाल दे। वफ्द दे नाल गलकत करते हुए वज़ीर आला ने किया कि सूबाई हुकूमत दीगर महकमियां हर महकमा इलाज भी इस्लाहात वसे कोशां वे। पाकिस्तान ते न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का दूसरा मैच आज दुबई खेडा जासी। अबू ज़ैबी मुनक्किदा पहले मुकाबले पाकिस्तानी टीम एक बार वत 150 से घट हदफ का दिफा करने कामयाब हुई। यह मुसलसल चौथा मौका आया कि बैट्समैना की तरफ से 150 से घट रन बनाने जाने के बावजूद बालर ने फतह टीम दे नाम कर दी। मजबूत केवी बैटिंग लाइन ते बेहतर खेड पेश किया। इस दे नाल ही अज दी खबरां खत्म हुई। नवी खबरां नाल कल मिलसियाँ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.